दिस इज श्रीजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजल्स क्रिएशन। सो टुडे इन दिस वीडियो आई वुड बी शोइंग यू माय लिविंग रूम। सो बहुत लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे, जैसे मेरे कोई क्लोज फ्रेंड्स या मेरी कोई फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी स्कूल फ्रेंड्स, मेरे पार्क फ्रेंड्स, तो ये सब मुझे मैसेज कर रहे थे कि श्रीजल अपना होम टूर भी प्लीज़ अपलोड करो। तो मैं होम टूर ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपना लिविंग रूम अपलोड कर देती हूँ, उसका अपलोड करूँगी पक्का, क्योंकि ये वाला वीडियो मेरे लिविंग रूम पर ही बेस्ड है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको ये वाला रूम तो मेरा पता ही है, तो ये मेरा रूम है। ओके, सो ये मेरा रूम है। तो जैसे ही इसके यहाँ से हम लोग हटेंगे, तो ये हमारा एंट्री डोर है, तो ये एग्जिट डोर भी है। तो जैसे ही हम लोग जाएंगे, तो ये है मेरी पूरी लिविंग रूम। तो अभी शाम का टाइम है, तो क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो इसलिए थोड़ी सी धूप आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मेरे आप रूम से आएंगे, तो ये है बड़ा सा एक पिनअप बोर्ड। तो ये मैं अपने मतलब किसी के लिए, मैं कभी कभी कभार इस पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती, तो वो कभी मैं चिपका देती हूँ इस पर, तो वो, लेकिन अभी तक मैंने ये सब हटा दिया है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि यहाँ पर कुछ अपने अवार्ड्स या फिर मेडल्स कुछ यहाँ पर पिनअप कर दूँ, तो क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत प्लेन सा है जिसपे कुछ कलरफुल होना चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये कर दूँ। तो ये हो जाएगा 1 या 2 डेज में हो जाएगा। तो ये 2 शेल्फ्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके ऊपर एक फ्लावर्स रखे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और ये मेरी कज़िन का रोली पोली रखा हुआ है, एक टॉय था मेरी उसका कज़िन का, तो वो यहाँ पे रह गया था, तो वो यहीं पे रख दिया है। तो ये सब कुछ है, कुछ डेकोरेटिव आइटम जैसे एलिफेंट्स, और ये मेरी एक आर्टिफिशियल स्क्वायरल, और ये है एक ये मुझसे हो गया था ब्रोक, मतलब टूट गया था मुझसे एक ब्रोकन फैन, और ये है एक मास्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया ऊपर का शेल्फ, और ये नीचे का शेल्फ, यहाँ पर भी एक फ्लावर रखा हुआ है, ये मेरा क्रिसमस ट्री जो मैंने बनाया था, और ये मेरा एक अवार्ड रखा हुआ है, नो ये मेरे पापा का एक अवार्ड रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा मेरा किचन सेट है, क्योंकि जो जब भी मेरी फ्रेंड्स आती है तो वो मैं इसके साथ खेलती है। तो इसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है, तो इसके नीचे भी है कि कुछ ना कुछ पूजा का सामान रखा हुआ है, क्योंकि इसी के अपोजिट ये हमारी पूजा का वो है, मंदिर है हमारा। तो मुझे, मैं तो सुबह शाम इसको ज़रूर पूजा करती हूँ, तो आप भी पूजा ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली नवरात्रि में तो हमें करना ही पड़ता है, तो ये हम लोग मानते हैं लक्ष्मी जी का, तो मैं तो बहुत करती हूँ, इसलिए यहीं पर हमारा ये जो इसके नीचे ये हमारा, इसलिए पूजा का ये शेल्फ बना दिया था। तो ये है हमारी मंदिर, ये हमारा मंदिर है। तो इसी के भी इसके इस तरफ लेफ्ट साइड, ये बहुत मुझे अच्छी लगती है वो, क्योंकि इस पर प्रिंट्स हैं बहुत अच्छे, मुझे इसके प्रिंट्स और यानी कि इसका जो वॉल का टेक्सचर है मुझे बहुत पसंद है। और ये एक हमारा मतलब ऐसी पूजा का डाल दिया है, जैसे जैसे कभी कभी दुर्गा जी की आरती और ये सब है। और इसके ऊपर मेरी तीन फ्रेम्स लगी हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए एक ये वाली है, और एक ये दो इधर है, और ये एक इधर है, और ये फ्रेंड्स मेरी बचपन की फ़ोटो है, यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स। देखिए इसमें मैं कितनी छोटी हूँ, और ये भी एक वैसी है, और ये वाली फ्रेंड्स जो है ये वाली, तो ये फ्रेंड्स मेरी मेरी वो फॉरेन की है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई थी 2018 में, मैं गई थी शायद, यस हाँ 2018, 3 ईयर्स बैक में गई थी। तो ये स्विट्ज़रलैंड का है, ये पीछे हमारा पूरा स्विट्ज़रलैंड है, तो ये स्विट्ज़रलैंड की मैंने हमने फ़ोटो फ्रेम करवा दी थी, तो हमने लिविंग रूम में लगवा दी थी। और ये फ्रेंड्स ये भी एक वॉल फ्रेम है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मम्मा ने ला दिया, ये मुझे इतना पसंद है कि मैं तो, मुझे बहुत पसंद है। तो ये भी मेरी इसमें वो क्या कहते हैं, मेरी चाइल्डहुड की पिक्चर्स ही हैं, तो ये मैंने सब अपने लिविंग रूम में लगा दिया। तो फ्रेंड्स अब आती है मेरी सोफ़ास और मेरी सेंटर टेबल। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सोफ़ास। देर आर, ये एक मेरा 3 सीटर का सोफ़ा है, ये देखिए,
ये मेरा एक 3 सीटर का सोफा है, और ये मेरा दो 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 सोफास दो दो सीटर के हैं, तो ये वाला है 1 और ये वाला है 2। तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ अपना ये सब मेरे को मोड़े हुए कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि ये थोड़े धूप में रखने थे हमें, क्योंकि थोड़े से गीले हो गए थे मुझसे गलती से, तो ये सब मैंने अभी अभी रख दिए हैं यहीं पर। तो ये थोड़े कुछ कपड़े हैं, और ये है मेरी सेंटर टेबल। तो ये फ्रेंड्स मेरी सेंटर टेबल है। तो ये एक शोपीस है, मतलब ऐसी एक प्लांट है, तो ये बीच में इसके सेंटर पे रखा रहता है। और ये ऐसी एक फोल्डर रखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, बस ऐसी करने के लिए। तो ये है मेरी पूरी सेंटर टेबल। और यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर भी एक आर्टिफिशियल यहाँ पर भी फ्लावर रखा है। और ये मेरा वाईफाई का केबल है, जिससे हमारा मतलब फ़ोन वोन सब अपना ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ। और ये है मेरी मैट, तो ये बहुत बड़ी मैट है, जब भी जैसे कोई बाहर लोग से लोग आए तो इसको ज़मीन पर बिछा के मैं खेलती रहती हूँ उसके साथ। तो अभी फ्रेंड आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोपहर का टाइम है, तो मैं दोपहर में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बहुत धूप आ रही है। तो ये है मेरा डोर, जिससे बाहर भी जा सकते हो और देख भी सकते हैं। ये है मेरी विंडो, तो बहुत लाइट आ रही होगी तो आपको दिखेगा नहीं। ये है मेरी कर्टन्स है, और यहाँ पर भी एक फ्लावर है, आर्टिफिशियल फ्लावर। यहाँ पे सब मेरे जैसे क्रिएचर्स रखे, जैसे डॉल। और फ्रेंड्स आपको पता है ये मेरी कज़न ने तोड़ दिया, तो मेरी बहन ने इसको ये वाली डॉल को तोड़ दिया था, क्योंकि ये चलती थी, ये बोलती थी, और इसके बाल भी ये कर दिए तोड़ डाले। कोई नहीं, मेरी बहन ही थी, और ये बोलती थी इसको ऐसे दबाने से, ये बोलती थी, लेकिन अब ये ख़राब हो गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी। और ये है मेरे ऐसी क्रीचर्स। और तो ये था फ्रेंड्स मेरा पूरा लिविंग रूम। फ्रेंड्स ये सब था पूरा लिविंग रूम मेरा। तो आई होप दैट आपको मेरा वीडियो बहुत भी पसंद आएगा। एंड यस फ्रेंड्स आई वुड लाइक अरे मैं इसको दिखाना तो भूल ही गई, ये है मेरा हैंग आउट कॉर्नर, यानी कि ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी हाइट, जैसे थोड़ी सी मेरी हाइट कम है, तो मैं इसको कहते हैं मंकी बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अभी अभी लटकूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जंप करके इसके ऊपर करती हूँ अभी, तो ये ऐसे रखा हुआ है। फ्रेंड्स मैं अभी कर नहीं पा रही, 1 मिनट रुको 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 फ्रेंड्स, अभी बस मैं करती हूँ, हो नहीं रहा मुझसे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा चल के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पकड़ा और ये मैं लटक रही हूँ, तो ये बस इसको मंकी बार कहते हैं, तो मैं इसको सुबह लटकती हूँ और शाम को लटकती हूँ, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स। वाह, नाउ आई विल डू इट। सो फ्रेंड्स आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।